लाइव न्यूज खबर तो पक्की है। कुछ महीने पहले बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय की वैकेंसी आई थी 13,000 पदों पर, लेकिन 8 महीने के बाद भी अभी तक पीटी परीक्षा की तिथि भी घोषित नहीं हुई है, जबकि इसके साथ ही दरोगा भर्ती आई थी जिसका कि फाइनल रिजल्ट आ गया। हम लोगों की मांग है कि बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय पीटी परीक्षा की तिथि जल्द घोषित करे और साथ ही संपूर्ण परीक्षा कैलेंडर जारी करे और अप्रैल 2025 तक इस बहाली को पूरी पारदर्शिता के साथ पूरी करे, जिसमें ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति बाद परीक्षार्थियों को दिया जाए, परीक्षा के बाद आंसर की जारी हो, जब रिजल्ट आए तो कटअप सभी का मार्क जारी हो, ये पारदर्शिता होनी चाहिए। और साथ ही बीएसएससी में अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए और बीएसएससी से अमरेंद्र कुमार को बाहर किया जाए। बीएसएससी के जो अमरेंद्र कुमार है मेंबर हैं अभी, वो जब बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक थे तो उस समय बीपीएससी में भ्रष्टाचार चरम पे पहुंच गया था, और वैसे अमरेंद्र कुमार को अब बीएसएससी का मेंबर बना दिया गया है, तो बीएसएससी का से उनको बाहर किया जाए अमरेंद्र कुमार को, और बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय की पीटी परीक्षा की तिथि जल्द घोषित हो और संपूर्ण परीक्षा कैलेंडर जारी करते हुए अप्रैल 2025 तक इस बहाली को पूरी करे। और साथ ही सिविल कोर्ट की बहाली 21 महीने पहले सितंबर 2022 में आई थी, लेकिन चपरासी और क्लर्क पद के लिए 21 महीने के बाद भी अभी तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई है। सिविल कोर्ट के बहाली के लिए जो बोर्ड बना है सिविल कोर्ट गांधी मैदान के अंदर, इनके जो मेंबर हैं चेयरमैन हैं उनसे हम आग्रह कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सिविल कोर्ट क्लर्क और चपरासी पद के लिए परीक्षा की तिथि घोषित कीजिए और लाखों स्टूडेंट के साथ न्याय किया जाए। अगर जल्द से जल्द परीक्षा की तिथि घोषित नहीं होती है तो आगे हम लोग 24 जुलाई को ट्विटर पे आंदोलन करेंगे बीएसएससी और सिविल कोर्ट की परीक्षा कराने के लिए। अगर उससे भी बीएसएससी नहीं जागती है तो फिर हम लोग उसके बाद जुलाई लास्ट में हम लोग फिजिकल प्रोटेस्ट करेंगे, बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग का घेराव करेंगे, वहाँ पर धरना देंगे जुलाई अंतिम सप्ताह में, जुलाई लास्ट में हम लोग 24 तारीख को ट्विटर पे करेंगे। अगर उससे भी बीएसएससी नहीं जागती है और सिविल कोर्ट की परीक्षा जो सिविल कोर्ट के लिए बना है आयोग बोर्ड वो नहीं करवाता है तो हम लोग धरना देंगे, आंदोलन करेंगे, और ये संभवतः जुलाई के अंतिम तारीख को या 1 अगस्त को हम लोग करेंगे। धरना कैसे, मतलब सड़क पर उतरिएगा कि हम लोग ऑफिस में जाके धरना देंगे, बीएसएससी ऑफिस में धरना देंगे। अगर उसके बाद भी बीएसएससी डेट घोषित नहीं करती है तो फिर हम लोग सड़क पे आंदोलन करेंगे पटना में। अगर उससे भी अगर नहीं सुनती है बीएसएससी तो पूरे बिहार के हर जिला में जाके आंदोलन करेंगे, बिहार बंद करेंगे, लेकिन चुप नहीं रहेंगे। अब 8 महीना बाद आप परीक्षा नहीं ले रहे हैं, डेट घोषित नहीं कर रहे हैं, तो कितना हम लोग बर्दाश्त करेंगे? 21 महीना हो गया, सिविल कोर्ट का कोई बहाली नहीं, कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, तो हम लोग कितना बर्दाश्त करेंगे? तो अब बर्दाश्त हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये 27-28 लाख से भी अधिक अभ्यर्थी हैं, अगर दोनों को 25 लाख से अधिक अभ्यर्थी सिर्फ बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय में हैं और 10 लाख के आसपास सिविल कोर्ट के हैं, और इसमें से कई लाख अभ्यर्थी हैं जो दोनों का फॉर्म भरे हैं, तो करीब करीब 30 लाख अभ्यर्थियों के जिंदगी के साथ, उनके करियर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और आप लोगों को ध्यान होगा प्रथम इंटर स्तरीय 2014 में आई थी बीएसएससी के द्वारा, और 8 साल बाद 2022 में वो बहाली पूरी हुई, जब हम कई बार आंदोलन किए, हर चरण में आंदोलन किए, तब जाके वो बहाली पूरी हुई। उसमें कई बार हमको पुलिस का शिकार होना पड़ा, पुलिस के तानाशाही का शिकार होना पड़ा, कई बार हमें घसीट कर थाना ले जाया गया, कई बार लाठी चार्ज हुआ, तो हम इस सब चीज़ से नहीं डरते हैं। और बीएसएससी को अब जगाने के लिए हम उतर चुके हैं सड़क पर, बीएसएससी जल्द जाग जाए और डेट घोषित करे बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय का, नहीं तो हम लोग अब अगली बार बीएसएससी ऑफिस में धरना देंगे। उम्मीद है कि सरकार आपकी बात को मानेगी। सरकार लोकतांत्रिक है, और अगर सरकार लोकतांत्रिक है तो सरकार को सुननी चाहिए। और नीतीश कुमार जी ने हमारे कई आंदोलन कि जो मांगे रही है वो कई बार आंदोलन के बाद उन मांगों पे नीतीश कुमार जी ने विचार किया, लागू किया, बात भी माना है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं नीतीश जी को। हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं जैसे सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए हमने आंदोलन किया, नीतीश जी नहीं माने, और भी कुछ मांगों को लेकर आंदोलन हुआ, नहीं माने, लेकिन बहुत सारी मांगों को नीतीश कुमार जी ने माना है, तो हमें उम्मीद है कि इस मांग को भी नीतीश कुमार जी मानेंगे और बीएसएससी को आदेश दिशा निर्देश जो भी वो देंगे कि जल्द परीक्षा कंडक्ट करवाया जाए। लाइव न्यूज़ खबर तो पक्की है।